Hello and welcome back to Mom's Magic. तो आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी बहुत ही टेस्टी वनीला आइसक्रीम वो भी घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए मैंने लिया है 5 से 6 ब्रेड। देखिए इसका मैंने ब्राउन पोर्शन जो है हटा लिया है। ब्राउन पोर्शन को वेस्ट मत करिएगा, ब्रेड क्रम्स बना के आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ब्राउन पोर्शन जो है मैंने निकाल लिया है और ये रहा हमारा फ्रेश ब्रेड। अब क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर हमने ले लिया है, इसमें ब्रेड्स को जो है तोड़ तोड़ कर इसके पीसेस जो है छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड करेंगे। वैसे तो ये ब्रेड बहुत ताज़ा है तो इसको जब हम ग्राइंड करेंगे तो वैसे भी वो अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, लेकिन फिर भी अभी हम इसको तोड़ तोड़ कर डाल रहे हैं ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। ये देखिए इसको हम तोड़ तोड़ कर इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सारे मैं तोड़ के ऐड कर ली हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये सब टूट कर रेडी है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर रहे हैं पाउडर्ड शुगर। यहाँ पे मैंने चीनी पीस लिया है, आप चीनी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप पाउडर्ड शुगर यूज किया है, आप चीनी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पिसना ही है, घर की फ्रेश मलाई यहाँ पे मैंने लिया है। 1 कटोरी फ्रेश मलाई ले लीजिए। 1 कटोरी में मैंने यहाँ पे 4 चम्मच फ्रेश मलाई लिया। फ्रेश मलाई का ही यूज करिएगा, बासी बिल्कुल मत यूज करिएगा। आज का दूध है तो आज ही का फ्रेश क्रीम निकाल कर फिर यूज करिए। अब इसमें जो है ऐड कर रहे हैं हम दूध। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया है 1/2 कप और फिर 1/2 कप और ऐड कर लिया है क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा आइसक्रीम बना रही हूँ। तो 1 कप दूध ऐड कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राइंड करके इसको एकदम पीस लेंगे बहुत बारीक। तो ये लीजिए तैयार है पीसकर। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बहुत क्रीमी लग रहा है। जो मलाई दूध सब ऐड किया ना, बहुत बेहतरीन परफेक्ट। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर रहे हैं वनीला आइसक्रीम चूंकि बना रहे हैं तो इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। यहाँ पे 1 चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ मैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद करती तो 1 और चम्मच ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल 1 चम्मच वनीला एसेंस है, बहुत अच्छा वर्क करेगा ये। और इसको डालकर कर लीजिए मिक्स। तो अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे जिसमें हम जमा रहे। तो यहाँ पे मैंने एक टिफिन लिया है, एक कंटेनर, उसमें मैं इसको फ्रीज करूंगी। तो ये लीजिए इसमें मैं कर लेती हूँ इसको ट्रांसफर और इसको करेंगे रेफ्रिजरेट। यहाँ पे मैं इस तरह से जो है रैपिंग फॉइल का यूज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि देखिए अगर नहीं यूज करेंगे ना तो इसमें जम जाएगा बर्फ, तो वो हमें नहीं चाहिए। बर्फ जम जाता है बहुत खराब लगता है, इसलिए इस तरह से हम करके इसको कर रहे हैं और रेफ्रिजरेट करेंगे 8 से 10 घंटे। तो यहाँ देखिए के अब जमकर रेडी हो चुका है, परफेक्टली जमा है, बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन। ये देखिए पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा जमा है, इसका टेक्सचर देख रहे हैं कितना क्रीमी लग रहा है ये आइसक्रीम कि मैं मन तो कर रहा है कि अभी इसको खा लूँ। ये देखिए बहुत बेहतरीन। इसको ट्रांसफर कर लेते हैं एक प्लेट में और मैं आपको कट कर कर अब दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत बेहतरीन, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। देखिए बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा मार्केट जैसा एकदम जमा है, जो अमूल की आइसक्रीम से एकदम वैसा। देखिए कितना क्रीमी है, इसको कट करके दिखाऊंगी और खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी लॉकडाउन है, घर में ये सब बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस। तो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।